बहुत समय पूर्व एक सुदूर देश में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसके होठ एकदम गुलाब की तरह लाल थे, बाल कौवे के पंखों की तरह काले थे और त्वचा बर्फ के जैसी सफेद थी। वह इतने फीके रंग की और इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ ने उसका नाम स्नो वाइट रख दिया। स्नो वाइट जब बहुत छोटी थी, उसी समय उसकी माँ का देहांत हो गया। कुछ साल बीतने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। ओ, कितनी सुहानी रात है, काश मेरी माँ इसे देख सकती। नई रानी अत्यधिक सुंदर परंतु बहुत ही कुटिल और अहंकारी थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो हमेशा ही सबसे सुंदर दिखे। इसके लिए वह काले जादू तक का इस्तेमाल करती थी। प्रतिदिन वह अपने जादुई दर्पण के सामने जाकर पूछती थी, दर्पण, दीवार के दर्पण, कौन सबसे सुंदर है? दर्पण रानी को हमेशा बोलता था कि वही सबसे सुंदर है। दर्पण, दीवार के दर्पण, कौन सबसे सुंदर है? तुम ही सबसे सुंदर हो मेरी रानी साहिबा। शैतान रानी ने कभी भी स्नो वाइट की माँ बनने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा बनाव श्रृंगार और अपने दोस्तों के साथ दावत करने में व्यस्त रहती थी। बेचारी स्नो वाइट खुद को अकेला महसूस करती थी। वह रात में खिड़की के पास खड़ी रहकर आकाश को निहारा करती थी और ये उम्मीद करती थी कि किसी दिन उसके सपनों का राजकुमार आएगा। कितनी भव्य पार्टी है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सलामती का जाम, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरे लिए। शायद किसी दिन मैं एक नौजवान से मिलूंगी, शायद वो कोई राजकुमार होगा। उस रात रानी ने दर्पण के पास जाकर फिर पूछा, दर्पण, मेरे दीवार के दर्पण, कौन सबसे खूबसूरत है? इस बार दर्पण ने जो कहा, उसकी रानी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। शैतान रानी ने जलन के मारे अपना आपा खो दिया और जोर से चिल्लाई, क्या क्या कहा तुमने? स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है मेरी महारानी। ईर्ष्या से वशीभूत होकर रानी ने शाही शिकारी को बुलाया। उसने उसे स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर उसे मार डालने का आदेश दिया। उसे फिर स्नो वाइट का दिल निकालकर सबूत के तौर पर लाना था। शिकारी, स्नो वाइट को मार डालो और उसका दिल निकालकर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा महारानी। शिकारी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। वह स्नो वाइट को टहलने के नाम पर बाहर ले गया और जैसे ही वे महल की सीमा से बाहर निकले, उसने अपनी तलवार निकाल ली। वह स्नो वाइट को मारने के लिए तैयार हुआ पर ऐसा कर न सका। शिकारी एक मासूम राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसने अपनी तलवार गिरा दी और घुटनों के बल बैठ गया। उसने स्नो वाइट को शैतान रानी के आदेश के बारे में बताया और उसे कहीं दूर चले जाने को कहा, जिससे रानी उसे कभी ढूंढ न सके। महारानी ने मुझे आपको मारने का हुक्म दिया है राजकुमारी, चली जाओ एकदम दूर, कहीं ऐसी जगह जहाँ वह तुम तक पहुँच ना सके। क्या, क्यों, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? स्नो वाइट अपनी पूरी ताकत से घने जंगल में भागने लगी। उसे नहीं पता था कि अब वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। आखिर में जब वह एक नदी के किनारे रुकी
तब उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उसने जब सर उठाकर देखा तो उसकी नजर नदी के दूसरी ओर एक छोटी झोपड़ी पर पड़ी। उसने नदी पार की, झोपड़ी के पास गई और सामने के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह किसी अजनबी के घर में ऐसे जबरदस्ती नहीं घुसना चाहती थी, पर वह इतनी थक चुकी थी कि उसने घर के अंदर जाने का निश्चय कर लिया। ओ, एक झोपड़ी, शायद उसमें कोई हो जो मेरी मदद कर सके। झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था, यद्यपि उसे अंदर एक मेज पर 7 छोटी प्लेटें और 7 छोटे गिलास मिले। एक कोने में 7 छोटे से बिस्तर एक लाइन में थे। उसने जैसे ही बिस्तर देखे, वह उन पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसे तुरंत नींद आ गई। असल में वह झोपड़ी 7 बौनों की थी और जब वे शाम को काम से वापस लौटे तो अपने बिस्तरों पर एक लड़की को ऐसे सोता देखकर अचंभित रह गए। वे अब क्या करें, इस बात पर आपस में चर्चा करने लगे। क्या, कौन है वहाँ? वह चोर है। क्या वह किसी के जादू के अधीन है, या शायद यह कोई राक्षसी है? नहीं, यह कोई राक्षसी नहीं है, यह सामान्य ऊंचाई की लड़की है। वह मेरे टेडी बियर पर लेटी है, उसके मुंह से लार टपक रही है। मुझे ये पसंद है, वह खूबसूरत है, मुझे भी नींद आने लगी। स्नो वाइट आवाज से जाग गई और खुद को छोटे कद के अजनबी इंसानों से घिरा पाकर डर गई। बौनों ने उसे कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु उसे बताना चाहिए कि वह यहाँ उनके घर में क्या कर रही है। स्नो वाइट ने उन्हें शिकारी और शैतान रानी की कहानी बताई। दयालु बौनों को उसके लिए बड़ा दुख हुआ और उन्होंने स्नो वाइट से कहा कि वो जब तक चाहे उनके साथ रह सकती है। मेरी सौतेली माँ, वो रानी मुझे मारना चाहती है। उसने शिकारी से मेरा दिल निकाल कर लाने को कहा। ये बहुत बुरा हुआ। जब तक तुम्हारा मन करे तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो बच्ची। हाँ हाँ बिल्कुल। उधर महल में रानी स्नो वाइट के मरने का जश्न मना रही थी। उसने फिर से जादुई दर्पण के पास जाकर पूछा, दर्पण, दीवार के दर्पण, कौन सबसे सुंदर है? रानी की त्रासदी को बढ़ाते हुए दर्पण ने जवाब दिया, स्नो वाइट, जो जंगल में 7 बौनों के साथ रह रही है वही सबसे सुंदर है। रानी बहुत क्रोधित हुई। अब यह साफ था कि उसे खुद ही स्नो वाइट को मारना होगा। दर्पण, दीवार के दर्पण, कौन सबसे सुंदर है? स्नो वाइट, जो 7 बौनों के साथ रह रही है वही सबसे सुंदर है मेरी महारानी। अगले दिन रानी ने बूढ़ी औरत का भेष बदला और झोपड़ी की तरफ गई। उसने छुपकर देखा और जब बौने अपने काम पर निकल चुके थे तब वह दरवाजे के पास पहुंची। इच्छा पूर्ति वाले सेब, उसने आवाज लगाई। ये इच्छा पूर्ति वाले सेब कौन खरीदेगा? स्नो वाइट ने उसकी आवाज सुनी और अधिक जानकारी लेने के लिए उसे अंदर बुलाया। भेष बदली हुई रानी ने उसे सबसे चमकीला और अच्छा सेब दिया। उसने स्नो वाइट से सेब का एक टुकड़ा खाकर मन्नत करने को कहा। ये सेब लो डियर, एक टुकड़ा खाओ और फिर मन्नत मांगो। स्नो वाइट,
मैं चाहती हूँ कि मेरे सपनों का राजकुमार आए। स्नो वाइट सेब को होठों के पास ले गई और जैसे ही उसने उसे चखा, वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे जहर दिया गया था। शैतान रानी ने जीत की खुशी में कहकहा लगाया और वापस चली गई। अब कौन सबसे सुंदर है स्नो वाइट? ये तुमने मुझे क्या दे दिया? जब वे सात पौने वापस लौटे, तब उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर सब व्यर्थ हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि स्नो वाइट मर चुकी है। बौनों ने अपनी प्यारी राजकुमारी को गिलास के ताबूत में डाला और उसे झोपड़ी के सामने रख दिया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कुछ फूल एकत्रित किए और उस ताबूत के चारों तरफ रख दिए। उसी समय एक सुंदर नौजवान राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और वह उसे बहुत अच्छी लगी। राजकुमार, कितनी खूबसूरत लड़की है, क्या हुआ इसे? हमें नहीं पता, हमें लगता है शायद इसे जहर दिया गया है। बेचारी स्नो वाइट, उसे किसी अजनबी से कुछ खाना नहीं लेना चाहिए था। राजकुमार ने पास आकर उसका निरीक्षण किया। उसे लगा कि वह मरी नहीं है, बल्कि किसी जादू के प्रभाव में है। बौने राजकुमार के ये शब्द सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने एक फूल के बारे में उसे बताया, जो कि स्नो वाइट को ठीक कर सकता था। हालांकि वह फूल एक खतरनाक सागर के बीच में पाया जाता था। राजकुमार ने स्नो वाइट को बचाने का निश्चय किया और रास्ते में आने वाले खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार करके काले पानी में निकल पड़ा। मैं स्नो वाइट को बचाऊंगा, मैं वह फूल लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार समुद्र में तैरते हुए आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसे वह फूल दिखाई दिया। लेकिन उसी समय एक भीमकाय समुद्री ऑक्टोपस गहराई से बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। राजकुमार ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसके पंजों से बचाया। आखिरकार राजकुमार ने अपनी तलवार से सीधा उसके दिल पे वार किया, जिससे वह ऑक्टोपस वापस समुद्र की गहराइयों में चला गया और वहां से वापस नहीं आया। राजकुमार ने फूल तोड़ लिया और तुरंत बौनों की झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। मुझे स्नो वाइट के लिए वह फूल लेकर जाना ही होगा। आह, ये विशाल ऑक्टोपस, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। यह लो ऑक्टोपस। राजकुमार को लौटा देखकर बौने काफी खुश हुए। राजकुमार ने फूल से स्नो वाइट के सर को छुआ और धीरे धीरे वह अपनी गहरी नींद से जाग गई। उनकी आंखें मिली। राजकुमार मुस्कुराया और स्नो वाइट को अपने दिल में प्यार का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे अब उसके सारे सपने सच हो गए। स्नो वाइट, राजकुमार और सातों बौने अंदर झोपड़ी में गए और खुशियां मनाने लगे। अब सब ठीक हो चुका था। स्नो वाइट जागो। मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? स्नो वाइट, इस राजकुमार ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें जहर दिया गया था, हमें लगा कि तुम मर चुकी हो, पर भगवान की दया से तुम मरी नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ।
चलो जश्न मनाएं।